दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि दुनिया कहाँ जा रही, मोदी सबको चौकीदार बनाने पर अड़े। जी दोस्तों, पंजाब के मंत्री और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने नरेंद्र मोदी सरकार के मैं भी चौकीदार अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश में प्रत्येक व्यक्ति को एक चौकीदार बनाने में व्यस्त है, जबकि विकसित देश नए शिक्षित खोजने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मैं भी चौकीदार अभियान तेजी तब पकड़ा जब राहुल गांधी सीधे तौर पर चौकीदार चोर है के नारे लगाने लगे। सिद्धू ने बिहार के किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चीन पानी के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में जीवन को बरकरार रखने की संभावना का पता लगा रहा है, रूस अविश्वसनीय रोबोट लेकर आ रहा है और यहां ये लोग सभी को चौकीदार बनाने पर अड़े हुए हैं। भाजपा के पूर्व नेता सिद्धू कुछ साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। सिद्धू फिलहाल पंजाब सरकार में मंत्री हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ये चौकीदार बड़े उद्योगपतियों के महलों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें आम लोगों की झोपड़ियों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि नारा सबका साथ सबका विकास खोखला है, इस सरकार में अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ही विकास का अनुभव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा यह कहे जाने का उल्लेख करते हुए कि राफेल सौदे के कुछ कागजात रक्षा मंत्रालय के कार्यालय से गुम हुए, सिद्धू ने कहा कि वे संवेदनशील कागजात को नहीं संभाल सकते, वे देश चलाने की क्षमता के बारे में क्या बोल सकते हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आदित्यनाथ और मायावती ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस का दिया जवाब। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का शुक्रवार को जवाब दिया। आयोग ने उन्हें प्रथम दृष्टया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह नोटिस भेजा था। सूत्रों ने कहा कि आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी को अपना जवाब सौंपा, जबकि मायावती ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग को जवाब भेजा है। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया था। मायावती को देवबंद में उनके भाषण में मुसलमानों से किसी विशेष पार्टी को वोट न देने की अपील करने के लिए नोटिस जारी किया था। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि बसपा प्रमुख ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। आदित्यनाथ को मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए उनकी अली और बजरंग बली वाली टिप्पणी के लिए नोटिस दिया गया था। भाजपा नेता आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव की तुलना इस्लाम में शुद्रे अली और हिंदू देवता बजरंग बली के बीच मुकाबले से की थी। आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस सपा बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी का जेजेपी के साथ हुआ गठबंधन, इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, हरियाणा में राजनीतिक परिदृश्य की साफ सफाई का वादा करते हुए नवगठित जननायक जनता पार्टी जेजेपी और आम आदमी पार्टी आप ने गठबंधन का ऐलान किया है। जेजेपी के नेता व हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से कहा, झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह और चप्पल जेजेपी का चुनाव चिन्ह एक साथ है, वे अपने तरीके से चीजों की सफाई करेंगे, ये आप और जेजेपी का गठबंधन है। इस मौके पर आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय मौजूद थे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जेजेपी 7 पर और आप 3 पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में 12 मई को चुनाव होना है। बीते साल दिसंबर में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल में फूट पड़ी थी, जिसके बाद जेजेपी का गठन हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल के कई नेता अब जेजेपी का हिस्सा है। जी दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि तैमूर की तस्वीर लेने पर भड़के सैफ, कहा बस करो यार मेरा बच्चा अंधा हो जाएगा। जी दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर बॉलीवुड के फोटोग्राफरों के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि वे जब और जहां कहीं नजर आते हैं उनके कैमरे की फ्लैश से नहीं बच सकते। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड पापाराजी की इस दीवानगी से सैफ इतना परेशान हो गए कि उनको गुस्सा भड़क उठा। मुंबई एयरपोर्ट पर हाल ही में सैफ और करीना के साथ नजर आते ही फोटोग्राफरों ने धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर ली। फ्लैश लाइट चमकने पर सैफ ने
रखते हुए कहा, बस करो यार, मेरा बच्चा अंधा हो जाएगा। तैमूर बेफिक्र होकर अपने पिता के कंधे पर बैठे थे और उन्होंने फोटोग्राफरों को देखकर हाथ हिलाया, जैसा कि वह हमेशा करते हैं। पापा राजी ने जब दंपति को पोज देने को कहा तो सैफ ने तुरंत कहा, आपको यूं ही लेना हो तो लो, ये पोज वोज करना थोड़ा अजीब है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि गोवा की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेगी एमजीपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी ने शुक्रवार को कहा है कि वे जल्द ही गोवा में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। एमजीपी ने लोकसभा चुनाव और मापुसा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव 23 अप्रैल को होना है। कांग्रेस और एमजीपी ने शिरोडा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। एमजीपी के अध्यक्ष दीपक धवलीकर ने बताया कि हमने प्रमोद सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। हम जल्द ही राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र लिखेंगे। धवलीकर ने कहा कि पार्टी ने गोवा में लोकसभा की सीटें दोनों सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करने का निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि किसानों की दशा पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता, कहा नए प्रयोग एवं वजूद के लिए संघर्ष में बीत रहा है अन्नदाता का जीवन। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसानों का जीवन लगातार नए प्रयोग एवं वजूद के लिए संघर्ष में बीत रहा है। उन्हें सूखा, बाढ़ और लागत मूल्यों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उद्योगों की तरह अपने उत्पाद की कीमत तय करने का उन्हें अधिकार नहीं होता। बिचौलिए उनकी मेहनत की कमाई का फायदा उठाते हैं। सरकार किसानों को समान रूप से लाभ देने में नाकाम रही है, इसलिए उनकी जीविका के मूल अधिकार से जुड़ी जमीन के अधिग्रहण पर उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने किसानों के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। किसान अभी भी दशकों पहले की स्थिति में है। किसानी से आय से परिवार की न्यूनतम जरूरतें पूरा करने की स्थिति नहीं बन सकी है। कई मामले प्रकाश में आए हैं। जब देश के विभिन्न हिस्सों में किसान दिक्कतों से परेशान होकर अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया है। न्यायालय ने नोएडा अथॉरिटी को किसानों को 355 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान 3 माह में करने का निर्देश दिया है। किसानों की जमीन विकास के लिए जबरन ले ली जाती है और उन्हें उचित मुआवजे के लिए सालों मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है। करीब 28 साल पहले अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए किसानों को 16 साल न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर दाखिल सैकड़ों किसानों की अपीलें दूर कर ली हैं और प्रत्येक को बतौर हर्जाना 5,000 रुपए दिए जाने का निर्देश दिया है। खबर है कि लोकसभा 2019 राफेल मामले पर शिवसेना की भाजपा को सलाह, कहा शांत रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले काफी समय से राफेल विवाद जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और एक के बाद एक आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं यह मुद्दा चुनाव में भी काफी जोरों से शामिल है और कांग्रेस के साथ ही विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर भाजपा की ओर आरोप लगाने में लगा हुआ है। ऐसे में अब शिवसेना ने भाजपा को इस विवाद पर एक खास सलाह दी है। जाहिर है कि देश में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जबरदस्त है। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो भाजपा को और तगड़ा झटका लगा है। यह दोस्तों, मिशन 2019 पर लगे सभी नेता एक के बाद एक मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही सियासी सरगर्मी के बीच वह जनता का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पिछले काफी समय से राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि इसी बीच अब शिवसेना ने पार्टी को खास सलाह दी है। शिवसेना ने कहा है कि इस मामले पर भाजपा जितना शांत और कम बोलेगी उतना ही लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वह लगातार राफेल विवाद को अपनी रैलियों और सभाओं में जिक्र करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले को लेकर सुनवाई के बाद एक नया
नया हंगामा देखने को मिला है। जाहिर है कि पहले चरण मतदान के ठीक एक दिन पहले इस खुलासे से सियासी गलियारे में घमासान तेज हो गई है। मामले को लेकर कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने फिर पलटवार करते हुए हमला बोला। बीते दिन राहुल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी का पूरा झूठ अब सामने आ गया है और अब वह बेनकाब हो गए हैं। वह आगे कहते हैं कि कोर्ट के आदेश यह साफ हो गया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये, मोदी को बनाया निशाना। ममता बोली, मैंने सेना की उपलब्धियों पर कभी नहीं मांगा वोट। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सैन्य अफसरों के बीच से लिखे पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की, जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश के जवानों के कथित इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, हमें अपने जवानों पर गर्व है, लेकिन मैंने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह जवानों के उपलब्धि के नाम पर वोट नहीं मांगा है। बनर्जी ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के लिए लोकसभा में 100 सीट का आंकड़ा पार कर पाना मुश्किल होगा। कुर्सियांग के लिए अपनी विकास योजनाओं को साझा करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि उनकी सरकार शहर में एक विश्वविद्यालय और एक पर्यटक लॉज बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह दुखद है कि भाजपा को दार्जिलिंग में कोई उम्मीदवार नहीं मिला, उसे चुनाव लड़ने के लिए मणिपुर से किसी को लाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या में गैर विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में गैर विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप इस देश को शांति से नहीं रहने देंगे, किसी न किसी को हमेशा अपनी नाक घुसेड़नी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से लगाया गया 5 लाख के जुर्माने का आदेश रद्द करने से भी इनकार कर दिया है। पंडित अमरनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गैर विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति मांगी थी। पहले ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया और जुर्माने को भी बरकरार रखा है। बता दें कि अयोध्या का राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद इस तरह की कई याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, जिन्हें कोर्ट खारिज करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 8 मार्च को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए 3 सदस्य समिति से मध्यस्थता कराए जाने का आदेश दिया था। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला आउट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।